नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विधायक फराज फातिमी ने थामा जेडीयू का दामन, कहा नीतीश के विकास में है आस्था। तकरीबन चार दिन पहले राजद से निष्कासित किए गए केवटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर फराज फातिमी ने गुरुवार को जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में उनके साथ राजद के दो अन्य विधायक चंद्रिका राय और जयवर्धन यादव ने भी जेडीयू के साथ हाथ मिलाया है। इस दौरान फराज फातिमी ने कहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है। समाज का कोई भी वर्ग इससे वंचित नहीं है। महिला, छात्र, किसान, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग को खासकर नीतीश राज में आर्थिक और सामाजिक मजबूती मिली है। विधायक फराज फातिमी ने राजद पर टिकट बेचने और अल्पसंख्यक के नेताओं के साथ अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। फराज फातिमी ने कहा कि राजद के शीर्ष नेता ने बेगूसराय और सिवान में अल्पसंख्यक नेताओं को हराने और मधुबनी की अल्पसंख्यक सीट पर किसी दूसरे समुदाय के नेता को टिकट देने का काम किया था, उसका खामियाजा भी राजद को आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। रिपोर्टर्स, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आपको नमस्कार और आदाब करता हूँ। और मुझे बहुत बड़ी ज़्यादा खुशी है कि मैं आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के इस जनता दल यूनाइटेड पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और सिर्फ दो मिनट का समय है, मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। मैं फर्स्ट पहली मरतबा विधायक बना हूं और एज अ डॉक्टर के रूप में मैंने खिदमत की लोगों की, लेकिन इस 5 साल के अंदर जो भी मैंने काम किया है, आज हमारे साथ मेरे क्षेत्र के लोग, काफ़ी लोग मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तमाम हमारे जो साथी आज इस पार्टी में जुड़ रहे हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने आज इस 15 साल के अंदर जो भी काम किया है वो काबिले तारीफ, चाहे अल्पसंख्यक का मामला हो, चाहे अति पिछड़ा का मामला हो, दलित का मामला हो, अल्पसंख्यक अपर क्लास का मामला हो, सभी के लिए उन्होंने काम किया। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो डरा करके आप वोट लेने की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों को डरा करके वोट लेने की बात करते हैं, कृपया राष्ट्रीय जनता दल आज इससे मुक्ति पाइए। आज जो कहते हैं आप MY, यहां तो पूरा समाज आज जनता दल यूनाइटेड को जोड़ने जा रहा है। कोई समाज नहीं बचा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की आस्था की तरफ नहीं खड़ा है। आज आप बात करना चाहते हैं, चाहे नीतीश कुमार जी कास्टिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, करप्शन हो, जीरो टॉलरेंस अगर किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। आज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। आज आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, मैं तो चैलेंज करना चाहता हूं, क्या किया है? 15 साल पहले चले जाइए, अंधकार था, आज देखिए 15 साल के अंदर अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आज चाहे मदरसा के अंदर अपग्रेडेशन का मामला हो, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, आज चाहे जितने भी अल्पसंख्यक जिला स्कूल, जितने भी स्कूल्स बन रहे हैं उसका मामला हो, सब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। कहां 200 करोड़ का होता था बजट, आज 1000 करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की देन है। आज चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, यूथ का मामला हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आज बिहार तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आज सड़कें हो, बिजली हो, आज काम देखिए आप। और क्या है, मुझे क्यों निकाल दिया आपने? मैं तो राष्ट्रीय जनता दल को चैलेंज करना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने बार मुझे निकालोगे? आप ही पत्रकार भाई लोग यहां मौजूद हैं, 6 महीने पहले जगदा बाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं इस पार्टी का सदस्य नहीं हूं, तो निष्कासित करने का मामला कहां से होता है? पहले मेरे पिताजी को निकाला, और निकालने का मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ टिकट का जो बंटवारा हुआ वो किस बेसिस पे बंटवारा हुआ, किस तरीके से पैसों का बंटाधार हुआ, और आज वही हो रहा है। आज ये सिर्फ ये गरीबों की पार्टी नहीं रह गई है, ये पूंजीपतियों की पार्टी रह गई है। आज हर जगह टिकट जो हो रहा है वो बेचने का काम किया जा रहा है। अगर एक्शन लेना ही है तो घर से लो तुम, जो तुम्हारे आपके जो बेटा है तेज प्रताप यादव, किस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट्स हर जगह खड़ा कर करके कहते पार्टी को हराने का काम किया, तो डिसिप्लिनरी एक्शन घर से नहीं होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन हम पे होगा। क्या कोई नोटिस दिया? मैं तो पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूं। इसलिए मैं इस पार्टी से अब विदा ले रहा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ आस्था व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जब भी मैं उनके पास गया तभी उन्होंने ना नहीं किया, हमेशा विकास के बारे में काम किया। और एक ही एजेंडा रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, बिहार को किस तरीके से आगे ले जाया जाए, बिहार को किस तरीके से विकास के रास्ते पे ले जाया जाए। मैं फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, मैं पार्टी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे साबित समझा कि मैं जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।